बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहरुख खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। शाहरुख खान को दरअसल धमकी मिली थी जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, और क्या डिटेल्स है खबर को लेकर? पूजा देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शाहरुख खान की जो सुरक्षा है वो वाई प्लस कैटेगरी कर दी गई है। वाई प्लस कैटेगरी में उनके साथ 24 घंटे 6 PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 ऑफिसर वेपन के साथ 24 घंटे उनके साथ तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जो मुंबई पुलिस की जो इंटरनल एजेंसीज होती हैं उन्हें इस बात की भनक लगी है कि शाहरुख खान जो बड़े बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स उनसे उगाही करने के लिए फोन कर सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं, उनसे जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। ऐसी खुफिया जानकारी मुंबई पुलिस को लगी है जिसके बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत शाहरुख खान की जो सिक्योरिटी है वो वाई प्लस कैटेगरी कर दी गई है। इससे पहले शाहरुख खान की सुरक्षा में उनके पर्सनल बॉडीगार्ड और सिर्फ दो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल वेपन के साथ रहते थे, लेकिन ये खुफिया जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा वाई प्लस कैटेगरी कर दी है। हाल ही में शाहरुख खान की दो मूवी पठान और जवान सुपरहिट होने के बाद उनको एजेंसीज को पता चला है इंटरनल जानकारी में कि शाहरुख खान को कुछ गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड उनके पीछे पड़े हो सकते हैं, उनको धमकी मिल सकती है, उनसे एक्सट्रॉक्शन मनी उगाही की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने कोई भी समय बर्बाद न करते हुए शाहरुख खान की सुरक्षा जो है वो वाई प्लस कैटेगरी कर दी गई है। शुक्रिया विवेक आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और उधर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्स एक्शन में है। गाजा पर हमले तेज हो गए हैं और इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास पर इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जारी है और ऐसे में हमास को लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास ने जो हमला किया है अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल हमास युद्ध के बीच एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें इसराइल की सेना हवा में रॉकेट को निशाना बना रही है और ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसा रही हैं, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। दरअसल शनिवार सुबह को आतंकी संगठन हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसपैठ की और रॉकेट से भी हमले किए। उन्हीं हमलों को रोकने के लिए इसराइल की सेना के जवान फायरिंग कर रहे थे जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। इसराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इसराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। इस बीच गाजा से भी रॉकेट दागे गए, अश्केलन शहर को निशाना बनाया गया। हमले की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें गाजा से लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं इसराइल की वायुसेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसराइल ने गाजा में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल के हमले में गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो भले ही हमास ने इसराइल में घुसकर दम दिखाया हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा है कि कितनी ऐसी मिसाइलें हैं जो हमास के मंसूबों पर पानी फेर सकती हैं। एक एक करके ग्राफिक्स की मदद से उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। ये दरअसल इसराइल की मिसाइलें हैं, जेरिको 3। ये मिसाइल बहुत खतरनाक है। इसकी रेंज 5600 किलोमीटर है। और हमास को डरने की जरूरत क्यों है वो एक एक करके आपको दिखाते हैं। जेरिको 2 मिसाइल भी दरअसल इसराइल के पास मौजूद है जिसकी रेंज 2800 किलोमीटर है, यानी इस दायरे में आने वाले हर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। जेरिको 1 मिसाइल भी इसराइल के पास मौजूद है और यहां इसकी रेंज